कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच मंकी पॉक्स ने टेंशन बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेषज्ञों की एक आपातकालीन बैठक बुलाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि WHO की बैठक वायरस के फैलने के तरीके, गे और बाइसेक्सुअल पुरुषों में इसके लिए अधिक प्रसार के साथ टीकों की स्थिति पर चर्चा हो सकती है। मई की शुरुआत से यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित दुनिया भर के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार हाल ही में नाइजीरिया से यात्रा करने वाले एक मरीज में 7 मई को इंग्लैंड में मंकी पॉक्स के एक मामले की पुष्टि हुई है। 18 मई को US मैसाचुसेट्स डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने हाल ही में कनाडा की यात्रा करने वाले एक पुरुष में मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण के एक मामले की पुष्टि की। हालांकि मामले में जनता को कोई खतरा नहीं है और व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है और अच्छी स्थिति में है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से गंभीर वायरल बीमारी है जो आम तौर पर फ्लू जैसे बीमारी और लिम्स नोड की सूजन से शुरू होती है और चेहरे और शरीर पर दाने के साथ उभरती है। अधिकांश केसों में संक्रमण 2 से 4 सप्ताह तक चलते हैं। हालांकि ये वायरस लोगों के बीच आसानी से नहीं फैलता है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में मंकी पॉक्स वायरस के पहले 2 मामले का पता चला है, जबकि पेरू में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई राज्य न्यू साउथ वेल्स में शुक्रवार को मंकी पॉक्स वायरस के पहले संभावित मामले का पता चला है, जिसका प्रसार धीरे धीरे पूरे यूरोप में हो रहा है। फ्रांस में भी इसका पहला मामला सामने आया है, जिसकी सूचना राष्ट्रीय प्रसारक BMFTV ने दी है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।